वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने मतदाता सूची में हुई त्रुटि को दूर करने के निर्देश दिए और कहा कि वोटर ID कार्ड में अगर नाम और फोटो में कोई गलत अंकन हो गया हो तो उसे भी दूर किया जाए, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में सरलता और सुगमता से पोलिंग हो सके। PSC किया वो सही नहीं किया, उनको रिजेक्ट करना है। किसान काम काफी पहले हो चुका है, जो काम बचा हुआ हमारा सिस्टम बचा हुआ ये भी टाइम लेके है। लेकिन प्रयागराज कर ले 92,000 तो ये कितने घंटे लगेगा, कितने सिस्टम लगेंगे, इसमें कंप्लीट किया जा सकता आसानी से। मकान नंबर से सिस्टम ने पकड़ लिया, उसमें से उसके पास ऑप्शन है एक नाम कटेगा। इसमें जो DM साहब बारामती की क्वेरी थी, ये चूंकि किसी नाम काट नहीं रहा है, दो जगह है, अपना केवल पेपर यूज कर रहा है, इसलिए संशोधन कराना था किसी मिस्टर एक्स की फोटो लग गई है, बाकी डिटेल हाँ बाकी डिटेल मेरी पड़ी हुई है, लेकिन फोटो एक्स की लग गई है तो उसने एक्स के दो फोटो ले लिए, लेकिन डिटेल मेरी पड़ी हुई है तो उसमें वो फोटो सही करा ली थी। तो ये तीन तरह की केसेस बन रहे हैं। तो इसमें जो अभी काम पेंडिंग डिस्पोजल का पड़ा हुआ है वेरिफिकेशन के बाद, इसको आपको टेबल अप करना है, कहीं कहीं वेरिफिकेशन का भी सर जो डाटा पड़ रहे थे। तो कुल मिला के बहुत सीधे शब्दों में यह कुल मिला पिक्चर कुछ जिले जिनकी बहुत ज्यादा पेंडेंसी है, चार्ट अभी हम शेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ऐसे भी जिले हैं जिन्होंने शून्य कर लिया है, जैसे महोबा ने इसमें पूरे जितने उनके फार्म आए थे भले कम रहे हों, उन्होंने 100% डिस्पोज ऑफ कर लिया है। तो जहां ध्यान दिया गया है वहां पर कार्यवाही दिख रही है, और ये ध्यान नहीं दिया गया है वहां पर जो है। इसी तरह महाराजगंज में केवल 71 PSCs का डिस्पोजल बचा हुआ है, इनके पास भी 24,428। नहीं आप बताइए, बाराबंकी गाजियाबाद जो बड़े बड़े बोल रहे हैं, वो प्रयागराज, इन लोगों ने कैसे कर लिया कि इनके 71 बचा है? मतलब डिसीजन लेने में आपके यहाँ मतलब इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है अभी तक? अभी तो वेरिफिकेशन है, रिमोट जिलों में भी है जहाँ पर विलिंगनेस है, जहाँ पर इस पर ध्यान दिया गया है, कार्यवाही अपेक्षानुरूप हुई है।